बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है। सभी ने आज का एपिसोड देख भी लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी ये एपिसोड आपसे मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स, जहां आप कुछ ही मिनटों में ये जान लेंगे कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत हुई है बाथरूम एरिया में सिद्धार्थ शुक्ला और आरती सिंह की बातों से। दरअसल आरती सिंह सिद्धार्थ शुक्ला को समझाती हैं कि वो रश्मि के साथ इस तरीके से क्यों झगड़ा कर रहे हैं, वो क्यों चिल्ला रहे हैं, उन्हें शांत रहना चाहिए क्योंकि इसका बुरा असर उन्हीं पे पड़ेगा, बेशक वो कोई बात सही ही बोल रहे हो। तो इस पर सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि तुझे पता है कि मैं ऐसा ही हूँ। तो आरती कहती है कि तुम अपना दिमाग शांत रखो, किसी भी बात को बोलते हो तो आराम से शांति से बोलो, चिल्लाओ मत। बेशक तुम कोई सही बात बोल रहे हो, लेकिन लोगों को लगेगा कि तुम रूड हो रहे हो। एंड आई नो कि तुम रूड नहीं हो उस टाइम पे, लेकिन जब तुम ऊंचा बोलते हो तो ये रूड साउंड करता है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्त होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ, बेशक तुम मुझे नहीं समझाओ, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि प्लीज थोड़ा काम रहो, चिल्लाओ मत, शांति बनाए रखो। इसके बाद हो जाती है सुबह और घर वालों के लिए बजाया जाता है एक धमाकेदार गाना, जहां पर ये घर वाले झूमते नाचते गाते हुए नजर आते हैं। टास्क के लिए तैयार होने से पहले पारस और कोयना के बीच में कुछ बातचीत होती है और इस दौरान कोयना कहती है कि वो बाहर नहीं होना चाहती है, वो किसी भी तरीके से इस गेम को जीतना चाहती है, और पारस कोयना की बात सुनते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं आरती के पास और कहते हैं कि यार कोयना का मटका मत गिराइयो, और आरती अपनी बात साफ तौर पर पारस के सामने रख देती है कि मैं तो गिराऊंगी भाई उसका मटका, मुझे तो जीतना ही है टास्क। इसके बाद तैयारियां शुरू हो जाती हैं क्वीन बनने की, सभी लड़कियां तैयार हो रही होती हैं, तभी आरती और शहनाज भी तैयार होती हैं। तो शहनाज आरती को बताती हैं कि कोयना का मटका जरूर फूटेगा, तो आरती कहती हैं कि कोई भी कोयना का मटका नहीं फूटेगा क्योंकि सब उनसे डरते हैं। तो सना पूछती हैं कि ऐसा क्यों है, तो आरती बताती हैं कि मैं तो बेशक उनका मटका फोड़ दूंगी, तू भी फोड़ देगी, क्योंकि बात क्लियर है कि वो नॉमिनेशन के वक्त ही किसी के पास जाकर आराम से बातें करती हैं, वरना वो किसी भी एक बात को पकड़ लेती है, बस नॉमिनेशन के लिए ही वो अपनी गरज निकालती है कि उन्हें नॉमिनेट नहीं होना है। और रही बात उनकी मटकी ना फोड़ने को लेकर, तो सब उनकी रेस्पेक्ट करती हैं क्योंकि वो बड़ी हैं इसलिए, और साथ ही उनसे डरते भी हैं, तो कोई भी उनका मटका नहीं फोड़ेगा। और फिर इस तरीके से उनकी बातें खत्म होती हैं और सभी लड़कियां चली जाती हैं जेल के अंदर। और फिर यहाँ पर आरती की कही हुई बातें कोयना के पास पहुँचती हैं और कोयना फिर आरती से पूछती हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तो आरती कहती हैं कि मैंने सही ही बोला है, आप ऐसा ही करती हैं, आप सिद्धार्थ डे को लेकर आपका ओपिनियन अलग था, आपने पहले तो उन्हें नॉमिनेट कर दिया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो आप चाहते थे कि आप नॉमिनेट ना हो, और इसके लिए आप उनके पास जाकर ऐसी बातें करते हैं, उनके साथ आराम से बातें करते हैं, और ये यही बात है क्योंकि आपको पहले मौका मिला तो आपने उनको नॉमिनेट कर दिया, और जब आपकी बारी आई तो आप चाहते कि आपको कोई नॉमिनेट ना करे। तो इस पर कोयना कहती है कि मेरा उसके साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है, अगर कोई मेरे पास आके माफी मांगे तो मैं उसे माफ भी ना करूं। और इस तरह से उनके बीच में झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि कोयना कहती है कि मैं किसी से भीख नहीं मांग रही, और ये बात आरती को काफी चुभ जाती है, और वो ये कहती है कि मैंने किसी से भीख नहीं मांगी है, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, आपके दम पे नहीं आई हूँ मैं इस बिग बॉस के घर में, अपने दम पे आई हूँ। और यहाँ पर देवोलीना और बाकी लड़कियां आरती को शांत करती हुई नजर आती है, और इसके बाद शुरू होता है असली गेम। एक एक करके सभी लड़कियों के मटके गिरना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर सस्पेंस बना होता है रश्मि और कोयना को लेकर कि ये दोनों एक दूसरे का मटका जरूर गिराएंगी, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। रश्मि जब किले से बाहर आती हैं तो वो उठाती हैं आरती के नाम का मटका और अपना रीजन साफ तौर पर सभी के सामने रखते हुए उनका मटका वो गिरा देती हैं पूल में, और ये बात सभी के लिए काफी सरप्राइजिंग लेकिन वेल नोन होती है। रश्मि के पास आती हैं कोयना तो उनसे बात करती हैं, तो रश्मि कहती हैं कि मैंने अभी तक गेम नहीं खेला, लेकिन जब मैं गेम खेलना शुरू करूंगी ना तो सबकी बाट लगेगी। कोयना कहती हैं कि अभी आपका चांस था, हमारा मौका भी आएगा, हम तब आपको बताएंगे। इस टास्क के दौरान शहनाज कोयना से बातें करती हुई नजर आती हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन देवोलीना नहीं बननी चाहिए पूरी, और इस दौरान सभी लड़कियां अपने अपने हिसाब से अपना अपना एक पार्टनर चुन लेती हैं और इस टास्क को लेकर बातें करती हुई नजर आती हैं, और बातें बातों में ही रह जाती हैं, और इस टास्क के एंड में सिर्फ एक ही मटका बचता है और वो होता है देवोलीना भट्टाचार्य जी का। और इस तरह से सीजन 13 की पहली क्वीन बन जाती हैं देवोलीना भट्टाचार्य जी, और इससे सभी घर वाले लगभग सभी घर वाले खुश नजर आते हैं। तो दोस्तों ये है बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 11 की हाइलाइट्स। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।